नमस्कार दोस्तों, आपका अजय हिंदी कहानियां चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। यह ग्रंथ धर्म, कर्म और प्रेम के महत्व को सिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान निहित है। यह ग्रंथ आधुनिक युग की समस्याओं से जूझ रहे मनुष्य को एक कर्मशील और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। भागवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को नई आशाओं से भर देती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और निष्कलंक भाव से इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ रोजाना पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण सार के बारे में बात करेंगे। इसे जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही अर्थ समझ पाएंगे। साथियों, अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी उपयोगी नहीं होता, बल्कि हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस गीता ज्ञान को अंत तक सुने और इन विचारों को हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुने। इससे आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख पाते हो, वह सब मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था
और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि तुम मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और श्रद्धा की कमी रखने वाला व्यक्ति जीवन में न तो आनंद पा सकता है न ही सफलता। मोह विनाश का कारण है, क्योंकि मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। जितना अधिक मोह बढ़ेगा उतना ही कष्ट भी बढ़ेगा। अतीत के पछतावे से वर्तमान को खराब करना और भविष्य की चिंता से वर्तमान को नष्ट करना दोनों ही गलत है। इसलिए वर्तमान का सही आनंद ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ अवश्य दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे छोड़ दो। जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी मत जाओ, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। बिना संस्कारों के समाज वैसा ही होता है जैसे बिना बारिश के फसल। इंसान की नीयत और नजरें बदलने में दुनिया की किसी भी चीज से तेज होती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग सही समय पर बोलते हैं, और मूर्ख लोग हर समय बहस करते रहते हैं। इसलिए मौन और शब्दों का सही संतुलन ही जीवन की कला है। सपनों और लक्ष्यों के बीच अंतर है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की नींद चाहिए, जबकि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बिना नींद की मेहनत सोचना चाहिए। नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। हमें स्वयं को सुधारना चाहिए ताकि हम दुनिया में एक बेहतर व्यक्ति बने। साथ निभाने वाले को सिर्फ एक बहाना नहीं, सहारा चाहिए। जीवन में कोई हाथ से छीन सकता है लेकिन कोई नसीब से नहीं। दूसरों को देकर अभिमान मत करो, क्योंकि तुम जो दे रहे हो या तुम्हारा चुकाना हो सकता है तुम्हारा पिछले जन्म का कर्ज। अहंकारी लोगों का वंश और सम्मान और शोभा तीनों चले जाते हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो रावण, कौरव और कंस। किसी पर विश्वास करना हो तो उनके कामों पर नहीं, उनकी क्रियाओं पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुकना और गलती के समय थोड़ा झुकना जीवन को और भी आसान बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उस पर आचरण करता है उसके सभी पाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो किस्मत में है वह होकर ही आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वह आकर भी नहीं रह पाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य की इच्छाओं ने उसकी बुद्धि को भटका दिया है। जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव से रहता है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंधों को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव क्षमा मांगने का प्रशंसक होता है, और अहंकार सदैव क्षमा सुनने का प्रशंसक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वर्तमान में हजारों लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी कमियों को नहीं बल्कि दूसरों के गुणों को भी तलाशते हैं।
किसी को धोखा देना एक कर्ज होता है जो कभी ना कभी आपको चुकाना ही होता है। एक अच्छी नीति वह होती है जो सिर्फ अपनी कमियों को नहीं बल्कि दूसरों के गुणों को भी देखती है। किसी पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपने स्वभाव को बदल देता है। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है और तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा दुख आने में भी जरूरी है, तभी इससे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। अपनी तुलना किसी और से न करो, तुम स्वयं हो सबसे श्रेष्ठ। सभी को अपने जीवन को बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए और एक जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। विश्वास रखो, अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। आज जो काम तुम कर रहे हो उसका फल कल मिलेगा, और आज तुम्हारे पास क्या है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीजें देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किसी के पास ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है। यदि तुम समझ गए हो तो तुम्हारी जिंदगी में अर्थपूर्ण हो गई है। कान्हा कहते हैं, कभी मौका मिले तो किसी के लिए सहायक बनना स्वार्थी नहीं, धर्म का पालन करो। सबको समय पर ही मिलता है, अगर किसी को समय से पहले मिलता है तो उसे दुख का सामना करना पड़ता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को अनमोल नहीं मानते। प्रेम ही इस संसार की आधारशिला है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ती हैं। विश्वास उस बात पर होता है जिसे हम मानते हैं, और हम वह बन जाते हैं जो हमारा विश्वास होता है। धर्म के लिए लड़ो, अधर्मी न बनो और अपनों के लिए त्याग करो। सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता है, इसलिए कभी भी असत्य का पानी नहीं डालो। बुद्धि सबके पास होती है, अब चालाकी दिखाने की जगह ईमानदारी को प्राथमिकता दो। अपनी आर्थिक स्थिति को बरकरार रखो, क्योंकि यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और अगर आपकी स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने पास ही रखो। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग मीठा खाने पर भी जहर उगलते हैं। जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन न दो, और ना ही क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह अपने आप को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे आपकी सच्ची कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहो, ये तुम्हें जीवन में मजबूती देगा। मुश्किल समय में आपके ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास तुम्हें सहारा देंगे। जिस व्यक्ति को आप सम्मान देते हो उसी को सम्मान दो। किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो भी वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के सामने इतना भी मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न तो इस जीवन में और न ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है।
भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। जीवन में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, और कुछ फर्ज होते हैं जो हमें हर कदम पर संभालते रहने पर मजबूर करते हैं। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन अपनी प्रशंसा की अपेक्षा केवल अंतिम संस्कारों में ही मिलती है। अगर हम किसी को एक बार माफ करते हैं तो हमें समझदार माना जाता है, दूसरी बार माफ करने पर हमें दयालु माना जाता है, लेकिन तीसरी बार माफ करने पर हमें मूर्ख समझा जाता है। जीवन की सबसे महंगी चीज है समय। जो एक बार चला गया तो उसे कभी फिर से वापस नहीं पाया जा सकता। भगवान से कुछ मांगने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जीवन में एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जो बिना शब्दों के हमारे दिल की बातें समझ सकता है। उसे ही हम परमात्मा का दूसरा रूप कह सकते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना। वे लोग बस यही जानते हैं कि कैसे आपको अहमियत दिखाएं, अधिक नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह धरती की मधुर सुगंध और अग्नि की ऊष्मा है। सभी जीवों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी वही है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक वैसे ही सत्य ही स्वर्ग के लिए एकमात्र सीढ़ी है। हम जब नहीं बोलते फिर भी वह सब सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। और न बोलने पर भी हमें सुनाई देता है, उसी का नाम श्रद्धा है। हम सभी आत्माओं से जुड़े होते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है। शब्दों से ही आत्मा को घायल किया जा सकता है। जीवन में हम अहंकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि सेवा सबकी करें पर आशा किसी से न करें। सही मूल्य तो भगवान ही देते हैं। इंसान अक्सर यह सोचता है कि घर, रिश्ते और दोस्त उसे बदल देते हैं, पर वह खुद बदलता नहीं है। पर यह ध्यान नहीं देता कि भगवान के फैसले पर कभी शक नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिल रही है तो समझो कि कुछ गलती हुई है। अर्जुन, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है न मरती है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इसके हो। शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। इन सब का समावेश है, लेकिन आत्मा स्थिर है। जो व्यक्ति शांत होकर बोलता है और काम करता है वह सच्चाई को हासिल करता है, और जो दुख और तकलीफ से मुक्त हो गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा न करो और भविष्य की चिंता न करो। अभी तो सिर्फ वर्तमान में जीने का समय है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जैसे कि एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर धो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, लेकिन दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम उन सबके हो जो करोड़पति होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खाली हो सकती है, लेकिन उन्होंने मेहनत करने वालों के हाथ खाली नहीं रखे। अपने विचारों को बदलो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, बिना परिवार और दोस्तों के, बस तुम ही और तुम्हारी हिम्मत। जो काम सबसे महत्वपूर्ण, पूर्ण और कठिन होता है उसे सबसे पहले करो। जीवन में हर चीज की एक वजह होती है, या तो वह तुम्हें कुछ बना देती है या फिर कुछ सिखाती है। लोग कभी कभी बोलना छोड़ देते हैं और उनकी उम्मीदें छोड़ देते हैं, इसलिए खुद से ही आशा रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह होता है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए,
और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।